हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्दू इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग नीट न्यूमेरिकल सीरीज के लिए जो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें वीडियो थर्ड को बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक शायद सॉल्व किए थे, इसके आगे आज क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 18 से देखना है ना। द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाई अ मास एम इन ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस डी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो काइनेटिक एनर्जी बताना है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है। अगर रेस से चल रहा है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस, पहले डिस्टेंस निकालना है अपने को। तो वी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है से स्टार्ट कर रहा है टू, और f बराबर ma होता है तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, f बाई एम इंटू कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट d। तो इंडेक्स ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, फोर्स। तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर, है ना, और इक्वल टू हो गया अपने को 2fd बाई एम। अपने को चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो हाफ एम तो ठीक है, और बी स्क्वायर की जगह 2fd बाई एम कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, क्या बन जाएगा यहाँ से f 2 से 2 कर जाएगा f इंटू डी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स एफ। तो m m के किसके प्रोपोर्शनल में बन गया, जीरो में, है ना, क्योंकि m तो है ही क्वेश्चन में नहीं, तो m जीरो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, इस वाले क्वेश्चन के लिए। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, है ना, काइनेटिक एनर्जी अगर 300% हम इसको ये कर दे, इंक्रीज कर दे, तो कितना हो जाएगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 300 बढ़ाइएगा तो देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, बढ़ाया हुआ कितना है वो देख लीजिए, और उसके बाद हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको मोमेंटम चेंज बताना, तो क्या किया जाए इसके लिए। तो काइनेटिक एनर्जी से पहले हम क्या कर सकते हैं, निकाल देंगे मोमेंटम, और मोमेंटम के बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो सॉल्व किया जाए तो देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 19 नंबर में काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए ई है शुरू में, और बढ़ा कितना दिए 300%, तो E प्लस E का 300%, है ना, तो कितना हो जाएगा 300% बढ़ा दिए 300%, तो 400 E हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, पी स्क्वायर बाई 2m, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, देखिए इसको हम यहाँ से m से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक, और एक एम बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई टू एम, है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 4e, तो इस काइनेटिक एनर्जी निकालिए, काइनेटिक एनर्जी हो गया पी स्क्वायर बाई टू एम, तो पी स्क्वायर बाई टू एम से क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई टू एम, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा यहाँ से पी जो है 2m E, ठीक है 2m E हो गया मोमेंटम, है ना, शुरू में मोमेंटम यह है, बाद में मोमेंटम क्या हो गया P डैश, तो P डैश कितना हो जाएगा 2m, तो ठीक है ये हो गया 4e, तो 4 2 जा 8m E, है ना, शुरू में 2m E है, बाद में कितना है 8m E। अच्छा देखिए यहाँ से, तो जो चेंज इन मोमेंटम आया, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, चेंज इन मोमेंटम हो गया पी डैश माइनस पी। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, शुरू में तो एनर्जी ई था, है ना, तो एनर्जी तो मोमेंटम कितना था 2me, और बाद में ये हो गया ये, तो पी डैश यहाँ से इसको लिख सकते हैं, देखिए 4 इसको लिख सकते हैं ऐसा 4 इंटू 2me, है ना, 4 का बाहर क्या निकलेगा 2me, है ना, 4 का बाहर निकल गया 2, और 2 अंदर में रह गया तो 2me हो गया, चलिए, और पहले भी 2me है, है ना, तो चेंज कितना हो गया, चेंज अगर बात करें तो p डैश माइनस p
है ना, बाई पी इंटू हंड्रेड, परसेंटेज जो चेंज होगा, तो 2 इंटू टू एम ई माइनस टू एम ई बाई ओरिजिनल 2 एम ई, तो 2 एम ई कॉमन कर दे तो 2 माइनस वन बाई 2 एम ई, ये कट जाएगा 2 माइनस वन इंटू वन यानी 100%। ऐसे भी सॉर्ट कर सकते हो कि शुरू में मोमेंटम पी है, बाद में क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स हो गया है ना, तो मोमेंट 4 टाइम्स, तो 4 यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, 2 एम ई को तो हमने लिखा लिख सकते हैं यहाँ से 4 एम ई, और फिर एम ई को मोमेंटम पी लिख दिए, अगर ये मान लीजिए ये हो जाता है रूट अंडर पी है ना, और शुरू में क्या है रूट अंडर ई है ना, तो यहाँ से बाहर निकालिए ई माइनस ई, तो यहाँ से सॉल्व करके हमको कितना आ जाएगा 100%। फिर से समझ लीजिए, यहाँ से मोमेंटम क्या है पी स्क्वायर बाई 2m, तो मोमेंटम क्या होता है 2me। अब बाद में क्या हो गया, अगर काइनेटिक एनर्जी को हमने 300% बढ़ा दिया तो 4e हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी के जगह 4e रख दिए, तो यहाँ से आ गया ये और ये लिख दिए, तो चेंज इन कितना, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल, 2me कॉमन निकाल के कैंसिल, 2 माइनस 1 100%। ये बन अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई, द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा। तो देखिए ई तो इजी क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पर जो प्रोजेक्टाइल फॉलो कर है यहाँ पे क्या होता है, यू कॉस थीटा है वो ओनली, कौन सा, तो यू कॉस थीटा, तो यू इंटू कॉस थीटा कितना 45 डिग्री, तो यू बाई रूट टू, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा 1/2 एम और यू बाई रूट टू का स्क्वायर, यानी हो जाएगा एम यू स्क्वायर, रूट टू टू हो गया, यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा 2 से 4 हो जाएगा ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले का कितना हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर को यू काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, तो के का आधा बन जाएगा, के बाई टू आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आइए, अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन द मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट इट्स काइनेटिक एनर्जी है ना। अब डायमेट्रिकली अपोजिट जा रहे हैं, एट एनी टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपोजिट। अगर ये घूम रहा है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर और यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा इधर हो जाएगा, किसी भी पॉइंट पर जाएगा ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पे मोमेंटम एम बी है यहाँ पे एम बी, तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर ये बात करें तो इधर की तरफ, तो माइनस कर देंगे, तो एम बी एम बी कितना एम बी हो जाएगा 2 एम बी, मोमेंटम चेंजेस बाई 2 एम बी, चेंज इन मोमेंटम 2 एम बी। चलिए 22 नंबर में आइए, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम लिप्स ए राइफल एट एन इनिशियल वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड एंड स्ट्राइक ए अर्थ एट द सेम लेवल विथ ए वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड द वर्क डन इन जूल ऑपरेटिंग द रेसिस्टेंस ऑफ एयर विल बी ठीक है। तो वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वर्क डन क्या हुआ, कितना इनक्रीज डिक्रीज किया काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम मास क्या है 10 ग्राम, इसको 1000 से भाग दे दीजिए ताकि ये केजी में आ जाए, और वेलोसिटी क्या हो गया, पहले कितना था शुरू में 1000 और एट द सेम लेवल वेलोसिटी क्या है 500 का स्क्वायर, तो सॉल्व किया जाए 1/2 10,000 यहाँ से कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 है ना, और यहाँ से हो जाएगा 25 1, 2, 3, 4 है ना, 1/2 इंटू 10/1, 2, 3 इंटू यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है 40 का, तो 40 आ जाएगा 40 40 ठीक है 1, 2, 3, 4 ठीक है, अब 25 है तो 75 हो गया 1, 2, 3 1, 2, 3 और 2 से 5 0 5 5 20 25 और 3 7 50
3750।